हेलो सर, प्लीज सर 10% भी ना आज के बच्चों को लीजिए फिर दिक्कत होगा। हाँ वही बोल रहा हूँ, आज आज वो अस्सी सीट पर होती हुआ तो सर नहीं तो 50 वाले बोल रहे 50 और बोल रहे हैं सर को नहीं कोई दोनों ने मिलकर संयुक्त आंदोलन किया सीट बढ़ाने की मांगों को लेकर, क्या कहना चाहिए आपका? दोनों ही संगठन छात्र हितों के लिए सीट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और महाविद्यालय प्रशासन ने भी उच्च शिक्षा संचालनालय के अधिकारियों से बात की है और मेल किया गया है। जितनी सीट बीकॉम पार्ट वन में है उसमें 10% सीट बढ़ाने के लिए हम मेल कर रहे हैं और शासन से जैसे ही स्वीकृत होता है उस हिसाब से आगे कार्यवाही की जाएगी। अरे बताएंगे आज किन मांगों को लेकर आते हैं? हमारी मांग है कि बीकॉम की और बीए दोनों में सीट बढ़ोतरी की मांग है। 220 सीट है, हम प्रिंसिपल सर से बहुत देर से निवेदन कर रहे हैं, कई बार लिखित में भी निवेदन कर चुके हैं कि 10% सीटों की वृद्धि की जाए, लेकिन प्रिंसिपल सर द्वारा हमारी मांगों को सुना नहीं जा रहा है, जिसको लेकर आज हम यहाँ पर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होंगी तो क्या करेंगे नीचे आगे? जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा हम छात्रों के साथ यहाँ धरने देते रहेंगे। बताएंगे आज किन मांगों को लेके यहाँ? एबीपी यहाँ लगातार आंदोलन करता ही है। जिस प्रकार यहाँ रायगढ़ जिले का सबसे बड़ा कॉमर्स का कॉलेज है, तो पिछले वर्ष भी हम मांग किए थे और इस वर्ष भी मांग करते हैं। जिस प्रकार प्रचारी के ऊपर 10% सीट रहता है, उस 10% को मांग को लेकर के हम सभी आज उपस्थित हुए हैं और प्रचारी का अपना तानाशाही रवैया अपना दिखा रहे हैं, उस कारण हम यहाँ आंदोलन करने बैठे हैं और एबीपी अभी भी मांग पर अड़ी हुई है। जब तक प्रचारी द्वारा यहाँ मांग नहीं आ जाता है कि वह खुल करके नहीं बोले कि 10% में अपन सीट दे सकते हैं करके, तब तक एबीपी यहाँ आंदोलन करते रहेंगे।